कई हफ्तों से हिसार में नगर निगम 2018 के मेयर व पार्षद पद के लिए चल रही गहमा गहमी के बीच आज 16 दिसंबर को चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूती व जनता को अपना मनचाहा कैंडिडेट चुनकर लाने की खुशी वोटर्स के बीच साफ दिखाई दी। सुबह 7:30 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो गई थी, जो शाम 4:30 बजे तक चलेगी। हालांकि सुबह ठंड होने व रविवार का दिन होने की वजह से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या कम रही, पर जैसे जैसे धूप खिली वैसे वैसे लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ की तरफ जाते दिखाई दिए। सिटी बिग न्यूज़ की टीम ने जाट कॉलेज व आईटीआई चौक पर वोटर्स के बीच में जाकर उनके मतदान के अनुभव व उनकी सोच को जानने की कोशिश की। मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पुरुष, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक व पहली बार वोट कर रहे युवा वोटर्स भी दिखाई दिए। सभी ने जनता द्वारा मेयर व पार्षद दोनों उम्मीदवारों को चुनकर लाने की स्वतंत्रता का दिल खोल कर स्वागत किया। अपने प्रत्याशी का खुलकर समर्थन करने के साथ साथ सभी नगर निगम मेयर व अपने वार्ड के पार्षद से यही चाहते हैं कि समस्याओं का तेजी से उचित समाधान हो और हमारा हिसार शहर एक खूबसूरत शहर बनाया जाए। पेश है ये खास रिपोर्ट। सर, आज मतदान का दिन है तो कैसा माहौल लग रहा है हिसार में? हिसार में मैं तो वार्ड नंबर 20 से, मेरी वाइफ धर्मपत्नी है प्रत्याशी पार्षद के लिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कम से कम जितनी पोलिंग होगी 80% एक तरफा वोट डलेगा। हमारे मेयर पद के प्रत्याशी गौतम सरदाना जीतेंगे। मतलब जैसे मेयर का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, आज तक जैसे डायरेक्ट नहीं था, अब हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा, बढ़िया। अच्छा। हमारे पुनः दिल्ली जाएंगे। कैसा मेयर होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अच्छा है। मेयर का डायरेक्ट चुनाव है इस बार, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो आपने वोट डाल दिया? नहीं, डालने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या अपेक्षाएं आपकी कि मेयर जो बनता चुन के आता है क्या होना चाहिए? एक ईमानदार अच्छे आदमी हो तो बहुत बढ़िया है, जो शहर का विकास करा सके अच्छी तरह। हाँ, और लोगों के भलाई के लिए अच्छे काम करे, लोगों की जो मतलब समस्याएं उनको दूर करे। सरकार का ये निर्णय सही मानते हैं आपकी जो डायरेक्ट चुनाव? हाँ, ये सही है निर्णय, बिल्कुल सही है, इससे अच्छे आदमी का चयन होना। हाँ जी, जैसे मेयर का डायरेक्ट चुनाव है तो कैसा लग रहा है पहली बार आप वोट डालने जा रहे हैं? नहीं, पहली बार मेयर के लिए तो पहली बार जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वोट तो डालना चाहिए। जो सरकार ने ये निर्णय लिया है मेयर का डायरेक्ट चुनाव करवा के, तो क्या ठीक है ये? बहुत ठीक है। कैसे? इसलिए कि किसी को किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हमने भी मिलना है तो डायरेक्ट मेयर को ही मिलेंगे, पहले तो पार्षद को मिलो फिर उसको मिलो, तो अब सबसे अच्छा तो यही है कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। कैसा मेयर चाहिए आपको? कैसा मेयर होना चाहिए जो चुन के आए, मेयर कैसा हो? बात सुन सके, जनता काम करे, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। अभी हमारे साथ हैं एक सर, उन्होंने अभी वोट डाल के आए हैं, तो उनको पूछते हैं उनसे कैसा लग रहा है। सर, पहली बार जैसे मेयर के लिए आप वोट डाल रहे हैं डायरेक्ट, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तो किस तरह के मन में वो, किस तरह का मेयर चुन के आए? जो पब्लिक चाहेगी वही होगा, जो तो वही पब्लिक के हिसाब से ठीक हो गया होगा। जो सरकार ने जो डायरेक्ट मेयर का चुनाव किया है तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कैसा मेयर होना चाहिए? मेयर जो सबके लिए करे उस वही होना चाहिए, जो सबके काम आए, सबकी बात सुने, वही होना चाहिए मेयर। जैसे सरकार ने निर्णय लिया कि डायरेक्ट मेयर का चुनाव कराया है, कि पहले तो पार्षद आप चुनते थे, फिर पार्षद मेयर को मतलब प्रधान को चुनते थे, वो नहीं डायरेक्ट, तो यह पारदर्शिता जो की है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये चेंज जो किया है अच्छा लग रहा है, वो चेंज सभी को अच्छा लगेगा और बेनिफिट भी मिलेगा सभी को। क्या बेनिफिट? यही होगा कि अच्छे काम होंगे, जो 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 रह रहे हैं हमारे अधूरे काम, वो अच्छा रहेगा। हाँ जी, अभी आप वोट डाल के आए? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है डायरेक्ट मेयर का चुनाव के लिए? अच्छा आप लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप क्या मेयर जो चुन के आएंगे, क्या अपेक्षाएं आपकी, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मेयर? अच्छा होना चाहिए, जो सबकी प्रॉब्लम्स समझे और अपनी पब्लिक को साथ लेके चले। जो सरकार ने डायरेक्ट मेयर का चुनाव करवाया है, इसमें आपका क्या कहेंगे? इसमें जो होती थी ना मेयर बनाने के लिए लड़ाई झगड़े, करप्शन, पैसे का लेन देन, वो सब खत्म हो गया है। अब तो डायरेक्ट पब्लिक ही चुनेगी, पहले तो ये पार्षद ही चुनते थे, ये था गलत सिस्टम था, अब सिस्टम बहुत अच्छा है, अब उसे पब्लिक ही सिलेक्ट करेगी जो करेगी। हाँ जी, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है? जैसे बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो मेन यही चाहते हैं कि जो भी बने अपने जो जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सके।
बहुत अच्छा लग रहा है जी, बच्चे खुश हों, हम भी खुश हैं, मेयर बनेंगे हमें खुशी होगी, हमारी पार्टी का जो भी है, जो भी बनेगा उसी की खुशी है, काम होएगा। इस वक्त हम खड़े हैं आईटीआई चौक पर। सर आप वोट डाल के आए हैं? हाँ जी। कितना इम्पोर्टेंट है वोट डालना? सर वोट से मैम आगे का भविष्य है हमारे देश का, हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का। सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके बीच में लग रहा है? गौतम सरदाना और हनुमान एरन की जो मैडम है रेखा एरन, उनके बीच में। हिसार का मेयर कैसा होना चाहिए? जो सभी समाज को, सभी वर्गों को इकट्ठा लेके चले, सभी का काम करे, ऐसा ही चाहिए। सर क्या अपेक्षा रखते हैं हिसार के मेयर से? हिसार का मेयर कैसा होना चाहिए? ईमानदार, निष्पक्ष भाव से सेवा करे शहर की, ऐसे मेयर चाहिए। मैं पहली बार सरकार ने फैसला लिया है कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट कराएंगे, इसका कितना असर पड़ेगा? इसका पब्लिक को सहयोग, पब्लिक की सहयोग से निष्पक्ष चुना जाएगा, नहीं तो मेयर की वजह, मेयर का चुनाव में एमसी की वजह से दिक्कत होती थी, अब निष्पक्ष चुना जाएगा। मैम क्या लगता है सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके बीच में है? जैसे कि भाई भैया ने कहा है, वो रेखा एरन और गौतम सरदाना। हिसार का मेयर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सबकी बात सुने। एक महिला होने के नाते आप क्या अपेक्षा रखती है कि अगर मतलब जो भी मेयर चुना जाएगा वो क्या विकास क्या मुद्दे उठाए? जैसे कोई उसके पास कंप्लेंट लेके जाए तो उनकी बात सुने, वो ऐसा होना चाहिए। पहली बार हिसार में मेयर का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ठीक है जी, हो रहा है, अच्छा है। हिसार का मेयर क्या चाहती है, कैसा हो मेयर? तो अच्छा हो, पर ये जब ले मैं वोट जब तो ठीक रहे, बाद में ठीक ना हो, कुछ भी काम ना कराते। हाँ। बाद में क्या कराए, पेंशन की कही, अब तक पेंशन ना बनी, मेरी बूढ़ी हो रही हूँ और मेरे तो ऐसी बीमारी हार्ट अटैक की है, अगर 5,000 महीना के खर्चा होगा। हिसार का मेयर कैसा होना चाहिए? हिसार का मेयर सावित्री जिंदर जैसा होना चाहिए। पहली बार सरकार ने फैसला लिया है कि डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, कि लोग खुद जाके वोट डालेंगे, पहले क्या होता था कि पार्षद डालते थे। हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जनता का चुनाव होना चाहिए, चुनाव तो जनता की तरफ से ही होना चाहिए मेयर का। अभी आप वोट डालने जा रही हैं, कैसा माहौल लग रहा है? अभी तो कुछ फीका फीका सा ही लग रहा है, कुछ खास नहीं लग रहा। हिसार में पहली बार मेयर के डायरेक्ट चुनाव होने जा रहे हैं, तो हाँ जी, किस तरह की फीलिंग आ रही है? फीलिंग तो अभी दे के आ रहे हैं, वो क्या करेंगे उनकी रिस्पांस पे पता चले। वार्ड 12 से पार्षद पद के कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जगमोहन मित्तल उर्फ बंटी ने सिटी बिग न्यूज की टीम से बातचीत में बताया कि कुछ वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट में तो है पर उनके ऊपर डिलीटेड लिखा हुआ है, जो कि एक साजिश का हिस्सा लग रहा है। जगमोहन मित्तल जी हमारे साथ है, वार्ड नंबर 12 से कैंडिडेट है। सर आप बताइए कि पहली बार मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होने जा रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा है जी। हिसार का मेयर कैसा होना चाहिए? हिसार का मेयर जो हिसार शहर का विकास कर सके, हिसार शहर के लिए काम कर सके। ये काफी कारगर होगा जी, और भी कई स्टेटों में चल रहा है मेयर का डायरेक्ट, और वहाँ काफी कामयाब रहा है, तो यहाँ भी कामयाब रहेगा। जैसे बंटी जी आज मतदान चल रहा है, अगर आप चुन के आते हैं तो आपने वार्ड के लिए आप किस तरह के विकास कार्य करवाएंगे? जो मेरी वार्ड की मुख्य समस्याएं हैं सर, पहले उन पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे हमारा नुमाल टाउन का मुख्य मुद्दा था, पंचायती धर्मशाला का, कुछ सीवर, पानी, बिजली, उन सबको हम प्राथमिकता के आधार पर करवाएंगे। हाँ, आवारा पशु का है, और जैसे कहा जा रहा है कि जाम की समस्या ही है, इन सब से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे सर जनता को। आज मतदान है, आप, आपके वार्ड में अलग अलग मतदान केंद्र पे आप जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है और क्या आप किस उसमें रहेंगे? सर हमारे लिए तो एक उत्सव का माहौल है, और सभी लोग एक किसी यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं, तो मेरे को तो लग रहा है कि काफ़ी भारी अंतर से मेरी विजय होगी। जैसे कैंडिडेट वो जाते हैं वोट डालने के लिए, उनके पास वोटर आईडी भी है, उनका नाम भी है, लेकिन लिस्ट के अंदर डिलीटेड लिखा हुआ है निगम के द्वारा, जो एक साजिश का हिस्सा लग रहा है। क्योंकि अगर 2-4-10 वोट हो तो कह दें, लेकिन ये तो हजारों की संख्या में वोट हैं जो एक हमें लग रहा है किसी साजिश के तहत निकाले गए या काटे गए हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए ऑनलाइन चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।